सागर अभिवादन के साथ मैं किरण गुप्ता प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रसंग। एक समय की बात है, एक राजा घने जंगल में भटक गया। कई घंटों के बाद वो प्यास से व्याकुल हो गया। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहां एक डाली से टक टक करती पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। राजा ने पत्तों का दोना बनाकर पानी इकट्ठा किया और जैसे ही वो पानी पीने लगा, एक तोता आया और झपट्टा मारकर दोने को नीचे गिरा दिया। राजा ने सोचा पंछी को प्यास लगी होगी, इसलिए वो भी पानी पीना चाहता है, लेकिन गलती से उसने झपट्टा मारकर पानी को नीचे गिरा दिया। ये सोचकर राजा ने फिर से खाली दोने को भरा। काफी देर के बाद वो दोना भर गया। राजा ने हर्षचित्त होकर जैसे ही दोने को उठाया तो तोते ने वापस उसे गिरा दिया। अब तो राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने चाबुक उठाकर तोते पर वार किया और उसके प्राण निकल गए। राजा ने सोचा अब मैं शांति से पानी इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। ये सोचकर वो डाली के पास वापस पानी इकट्ठा होने वाली जगह पहुंचा तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। उस डाली पर एक जहरीला सांप सोया हुआ था और उस सांप के मुंह से लाल टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था वो सांप की जहरीली लाल थी। राजा का मन ग्लानि से भर गया। उसने कहा काश मैंने संतों के बताए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण कर क्रोध पर नियंत्रण किया होता तो मेरे हितैषी इस निर्दोष पक्ष की जान नहीं जाती। जल्दबाजी और बिना सोचे विचारे किया हुआ काम हमेशा परेशानी और पश्चाताप का कारण बनता है। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।